होता है तो नीचे गिराता भी देर नहीं लगाता। मैंने अपनी तो बात बता दी कि वीआईपी में मेरी सेटिंग कर दी, लेकिन एक दिन मुझे भी ऐसा पछाड़ के मारा कि मुझे भी सारा टब्बर याद आ गया। सालासर की ही बात, मेरा कीर्तन कलकत्ता से सालासर गया, अगले दिन सालासर में कीर्तन था। जाने से पहले पुजारी जी का फोन आया, हां जी आप आ रहे हो? यहाँ पे घमंड आ गया, वाह देखो क्या बात है। जाने से पहले मंदिर का पुजारी फोन करता है, घमंड आया तो फिर हनुमंत भी आया। अब सुनना क्या हुआ, बोले जी आपके लिए कमरा भी बुक कर दिया है, आप आ जाओ। मैं चला गया। फोन आया कमरे में जाने के बाद, कितने बजे दर्शन करने हैं? मैं बिल्कुल सही था, अगर घमंड ना होता तो बोलता पुजारी जी अभी आया 5 मिनट दो, लेकिन घमंड था, महाराज अभी सोऊंगा 4-5 घंटा तो 7-8 बजे दर्शन करने आऊंगा। अच्छा आप आइएगा, आपकी व्यवस्था रखेंगे। 7 बजे दर्शन करने गया जनाब, जितने पैसे लेके गया था सब जेब में डाल लिए, और वहां जाके बाबा में ऐसा मदहोश हुआ कि जितने पैसे थे सारे गल्ले में डाल दिए। अब वहां से रिक्शा करने के भी पैसे जेब में नहीं बचे। अब ये तो याद रहा नहीं कि सारे के सारे चला दिए। अब मंदिर के बाहर आया, अब घमंड में तो पटकेगा ना वो, चाहे कोई भी हो, टाटा अंबानी क्यों ना हो। अब मंदिर के बाहर आया तो भूख लग गई, अब सामने SBP रेस्टोरेंट, अब बाणिया कली दाल थोड़ी ना खाते हैं, फिर तो शाही पनीर भी आन दे, ते दाल मखनी भी आन दे, ते लच्छे पराठे भी आन दे। हैं हुण जदों खान लगे ना बुरकी गई 2-3, उहदे बाद याद आया कहनु पैसे कित्थों देंगे, इसको पैसे कहां से दूंगा। ऐसे दिमाग घुमा कि जिसने इतनी लॉटरी लगा रखी है, लाखों लोगों का भंडारा लगा दूं तो ना पता लगे, इस समय एक वक्त की रोटी के पैसे नहीं है जेब में। सब बालाजी महाराज के सामने उसी रेस्टोरेंट में ऐसे हो गया। अब रेस्टोरेंट वाला बोले ये क्या कर रहे हो? मैं कहा महाराज थोड़ी देर बाद बताऊंगा, फिर तुम कहोगे ये क्या कर रहे हो। अब माथा टेका, टेक के ही मैं, देखो टाइम लगाना हो ना खाने में तो चावल मंगा लो और उसको आगे पीछे करते रहो। तो मैंने एक प्लेट चावल मंगाया, ये सच्चाई बता रहा हूँ ना, मैं उसको आगे पीछे करता था। अब इतने में देखो सुनवाई भी तो जल्दी होती है ना, जैसे ही आगे पीछे करने लगा, रेस्टोरेंट के बाहर दो मियां बीवी लड़ रहे थे। अब वो क्यों लड़ रहे थे? उसकी घरवाली बोली वो अंदर जो बैठा है वो कन्हैया मित्तल है। उसका आदमी बोला नहीं वो ऐसे थोड़ी ना बैठा, वो तो बाउंसर लेके चलेगा। अब वो लड़ते लड़ाते अंदर आ गए, अब वो भी भूखे थे, अब मेरे पास थे नहीं। बोले जी भोजन, मैं आओ जी बैठो। मैं समझ गया था कि मेरा काम बनाने के लिए बाबे ने किसी को भेज दिया है। अब कन्हैया मित्तल साथ में बैठा हो तो मित्तल साहब को पैसे कौन देने देगा? अन्य धन लक्ष्मी को दाता, अपने आप को समर्पित करके चलोगे तो आपके जैसा सेठ कोई नहीं है, और अगर जहां भी गलती कर दी तो आपके जैसा दरिद्र दुनिया में कोई नहीं होगा, सर कोई नहीं होगा। अन्य धन लक्ष्मी को दाता, ये मैं मेरे परिवार में बैठा हूं तो इतनी बात बता रहा हूं। क्यों? क्योंकि आप भी मेरे जैसे हो, आप दीवाने हो महाराज। एक बार अपने लिए तालियां बजा दीजिए। मेरे बाबा वाह क्या बात, रख दिया मेरे सिर पे हाथ, मेरे बाबा सिर पे हाथ, मेरा पग पग पे साथ निभाने जी। नेपाल में कीर्तन मेरा, बागडोगरा की फ्लाइट, आखिरी फ्लाइट, बोर्डिंग पास मिलता है फ्लाइट में बैठने के लिए, बस तक पहुंच गया वो बोर्डिंग पास कहीं गिर गया, फ्लाइट में चढ़ने लगा तो एयर होस्टेस बोला भाई बोर्डिंग पास कहाँ है? पूरा चेक कर लिया कहीं कुछ नहीं। अब बोला ऊपर तो नहीं जा पाओगे, सामने फ्लाइट खड़ी है, चढ़ नहीं सकते, उसकी मर्जी नहीं है, तो चढ़ नहीं पाओगे जब तक ये मिलेगा नहीं। मैं बोला मेरा कार्यक्रम है, नहीं गया तो उनकी बदनामी हो जाएगी, उसके बाद मेरी हो जाएगी कि नहीं आया। बोले हम नहीं जानते, हमें बोर्डिंग पास चाहिए। क्या किया? कुछ नहीं भाई, रनवे पे। अब वो बोले ये क्या कर रहे हो? मैं कहा तुम बाद में पूछोगे ये क्या कर रहे हो।
जैसे किया पूरी बसें खाली हो गई, सब हो गया। आखिर में एक आदमी ऊपर चढ़ने लगा है फ्लाइट में, तो उसको नीचे वापस रखे के बोला, बोलो ये एक बोर्डिंग पास कहीं गिरा हुआ था भाई साहब, आपका तो नहीं है? इन्हें खंजीर चलाए, इन्हें कितनी याद बाबा, हो बाबा सब जान लाए, हो बाबा सब जान दाए, बाबा सब जान दाए, बाबा सब जान दाए, घुट पानी दा पिया के जहरियों ने मूछ पाया, ओही नोच नोच खा गए असी जी दा दिलो छाया, किने मसी दे उजाड़े उजड़े बसाए, हो बाबा सब जान लाए, बाबा सब जान लाए। तुसी कितना दे हो, क्यों हो, कैसे हो, किसी को कहने की जरूरत नहीं है। बाबा सब जान लाए, बाबा सब जान लाए, आज दिन जश्न दा ए मुड़नियों आना, बाला जी नो कह दे जो कहना, तू अके वदिया तेनु फर्क है पैना, जे पिछे हट गया तेरा कख नहीं रहना, छड़ दे फिकरा चिंता छड़ दे, बाला जी दे पैरी पैजा, जो कुछ तेरे दिल विच बंदे एक बारी आके उनू कह जा, यार नसीबा दे ना मिले, यार बना के रख ले गहना, जम्मिया सी जदो मैं खाटू जी गया सी, बापू जी ने मेरे बारे ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਨਾਲ ਚਾਚਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਖਾਟੂ ਨਰੇਸ਼ ਕੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ, ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੇ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾਈ ਨੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮਿੱਤਲਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਵੀ ਟੱਪਿਆ, ਸਤਾਰਵਾਂ ਵੀ ਟੱਪਿਆ, ਅਠਾਰ ਵਿੱਚ ਬਾਬੇ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਬਾਲਾ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਪੈ ਗਈ, ਨਾਲ ਸਾਲਾ ਸਰਜਾ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਵੀ ਦੋ ਦੋ ਪਰਾਂਠੇ ਪੈਕ ਕਰਤੇ, ਹੈਲੋ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ ਇੱਕ ਤੋਲੀਆ ਬਾਕੀ ਦੇਖ ਲਾ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਵੀ ਦੋ ਦੋ ਪਰਾਂਠੇ ਪੈਕ ਕਰਤੇ, ਨਾਲ ਨਿੰਬੂ ਦੀ ਅਚਾਰ ਥੇਲੀ ਵਿੱਚ ਤਰਤੇ, ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਵੇ ਸਾਂਵਰੇ ਦਾ ਮੁਖੜਾ, ਜਵਾਕੜੇ ਜੇ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਈ ਪੰਜਾਬ ਚ, ਇੱਕ ਦੋ ਮੁੰਡੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਥੇ ਵੇਖਿਆ ਵੇ ਬਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਮੁਖੜਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਤਾਂ ਤਮਾਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਗਾਇਆ ਕਰ, ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਕੰਮ ਤਮਾਮ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਨੀ ਪਤਾ। ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਵੇ ਸ਼ਬਦੋ ਕਾ ਬੜਾ ਚੈਨ ਹੋਤਾ ਹੈ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਚੈਨ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਵੇ ਬਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਮੁਖੜਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਸੋਲਵਾਂ ਵੀ ਟੱਪਿਆ, ਸਤਾਰਵਾਂ ਵੀ ਟੱਪਿਆ, ਅਠਾਰਵੇਂ ਚ ਬਾਬੇ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਲਾ ਸਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦੇ, ਚੰਗੀਆਂ ਕਰਾ ਦੇ ਕਾਕੇ ਨੀ, ਸਾਲਾ ਸਰਦੀ ਗਲੀਆਂ ਚ ਘੁੰਮਦੇ, ਕੁੜਤੇ ਪਜਾਮੇ ਪਾ ਗਏ ਨੀ,
ਚੜਦੇ ਸਿਆਲ ਨੂੰ ਬਾਲਾ ਜੀ ਜੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰਾ ਦੋਗੇ ਮੈਂ ਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੱਲੀ ਫੋਟੋ ਇੱਕ ਲਵਾ ਦਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨੀ ਲਾਉਣੀ ਪੂਰੇ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਬਾਲਾ ਜੀ ਡਾਇਮੰਡ ਦਾ ਮੁਕਟ ਜੜਾ ਦਾਂਗੇ ਪੂਰੇ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਬਾਲਾ ਜੀ ਡਾਇਮੰਡ ਦਾ ਮੁਕਟ ਜੜਾ ਦਾਂਗੇ कोट है बाला जी तेरा मेहंदी पुरदा द्वारा जी भूतानू उथे सोटे वजदे भगतानू मिले सहारा जी जिड़ा कहंदा तुर नहीं सकदा ओनू कंध टपा दांगे एक बारी जाके आ जी वीरे वी हम डबलू दवा दांगे पूरे मंदिर नू चांदी दा बाला जी डायमंड दा मुकुट जड़ा दांगे चल जाए व्यापार तो खाटू आओ जी चलदे चलदे रोम रोम विच वास सजदा शब्दों की बड़ी बात है उन्होंने कहा ना जाई बाबे दे वेड़े ਚੰਦਰ ਭਾਜੀ ਨੇ ਗਾਇਆ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜਾਈ ਬਾਬੇ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਾਓਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੂਗੀ ਮਿੱਠੀ ਹੈ ਕਿ ਖੱਟੀ ਹੈ ਹੈ ਜੇ ਦੋ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਬਾਪੂ ਦਾ ਨਾਮ ਰਾਮ ਲਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾਣੀ ਪੈਣੀ ਇਹ ਵਾਲਾ ਰਾਮ ਲਾਲ ਇਹਦਾ ਬਾਪੂ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਰਾਮ ਲਾਲ ਇਹਦਾ ਬਾਪੂ ਲੱਗਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਦਿਖਾਓਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੂਗਾ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਜਾਈ ਬਾਬੇ ਦੇ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ ਬੀਬਾ ਨੱਚਣ ਲਾ ਦੇਣਗੇ ਬੀਬਾ।